कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को सिलेबस ओवरव्यू दे दिया था। हम लोगों का जो पाठ्यक्रम एक है वो हम लोगों के पाठ्यक्रम में नहीं है, तो अब हम लोग दूसरे चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। आइए, जो हम लोगों का दूसरे चैप्टर का नाम है उसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। तो गाइज, आइए इसमें हम लोग पहले ये जाने कि लैंगिक जनन होता क्या है। लैंगिक जनन वह जनन होता है जिसमें नर व मादा एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं तथा निषेचन क्रिया करते हैं, इसके पश्चात बीज का निर्माण करते हैं, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो आइए हम लोग पुष्पों में लैंगिक जनन पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग है हम लोगों का पुष्पों में, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो आइए फर्स्ट हेडिंग है हम लोगों का पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पों में वह जनन, पुष्पी पादपों में वह जनन जिसमें उसमें उपस्थित जननांगों के द्वारा जनन होता है, उसे हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कहते हैं। मैं आप लोगों को एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि पुष्पों में वह जनन जिसमें उसके जननांगों के द्वारा जनन होता है, उसे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कहते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन उसके जननांगों के द्वारा होता है, तो उसमें जननांग कौन कौन से होते हैं आइए हम लोग देखते हैं। तो जो पुष्पी पादपों में नर जननांग होता है उसे पहले तो पुष्पों में जनन की क्रिया के लिए दो दो जीवों की आवश्यकता होती है, जिसे नर बोलते हैं और दूसरा मादा। तो जो पुष्पे हम लोग पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, तो पुष्पों में जो नर भाग होता है वो होता है पुंकेसर, वो मादा भाग स्त्री केसर। मादा भाग स्त्री केसर होता है। तो हम लोगों को अब नर भाग पुंकेसर, पुंकेसर के तीन भाग होते हैं, पहला दूसरा पहला पराग तंतु, दूसरा पराग कोश, तीसरा पराग कण। अब परागकण का निर्माण जिसके द्वारा होता है आइए हम लोग उसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। ये जो परागकण का निर्माण होता है यह लघु बीजाणु धानी के द्वारा होता है, लघु बीजाणु धानी के द्वारा होता है, लघु बीजाणु धानी। अब लघु बीजाणु धानी के दो भाग होते हैं, पहला परागधानी भित्ति, पहला परागधानी भित्ति, और जो दूसरा होता है बीजाणु जनन ऊतक, बीजाणु जनन ऊतक, बीजाणु जनन ऊतक। ये जो परागधानी भित्ति होती है यह चार प्रकार की होती है, पहला बाह्य त्वचा, दूसरा अंतस्थीसियम, तीसरा मध्य त्वचा, चौथा टेपिटम। और बीजाणु जनन ऊतक का कोई भाग नहीं होता। तो गाइस, अब हम लोगों को ये नर भाग इतना पूरा पढ़ने के बाद ही मादा भाग में जाना है। तो जो नर भाग होता है पुष्प में वह पुंकेसर होता है, पुंकेसर के तीन भाग होते हैं, पराग तंतु, पराग कोश, पराग कण। और ये जो परागकण का जहाँ से निर्माण होता है उसे हम लोग लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। लघु बीजाणु धानी के दो भाग होते हैं, पहला परागधानी भित्ति, दूसरा बीजाणु जनन ऊतक। परागधानी भित्ति के चार भाग होते हैं, पहला बाह्य त्वचा, दूसरा अंतस्थीसियम, तीसरा मध्य त्वचा, चौथा टेपिटम। और बीजाणु जनन ऊतक का कोई भाग नहीं होता है। तो आइए अब हम लोग इसे इरेज करते हैं, फिर इसके बाद पढ़ते हैं पुंकेसर। पहले तो हम लोग पुष्प का एक नामांकित चित्र बना लेते हैं।
गाइज ये हो गया हम लोगों का पुष्पों का नाम, पुष्प का चित्र। आइए अब इसे हम लोग नामांकित कर देते हैं। तो यह जो पुष्प का भाग है इसे हम लोग बोलते हैं पराग कोष, इसे हम लोग बोलते हैं पराग कोष। और यह भाग इसे हम लोग दल पुंज बोलते हैं, दल पुंज या पंखुड़ी भी बोलते हैं। फिर इसके बाद यह भाग हम लोगों का है अंडाशय, और यह भाग हम लोगों का है वर्तिकाग्र, और यह भाग है वर्तिका। फिर इसके बाद यह भाग है बाह्य दल, और यह भाग है पुष्पासन, पुष्पासन। तो गाइस पुष्प के इतने भाग होते हैं, और यह है पराग तंतु। यह पुष्प का नामांकित चित्र है। जैसा कि अब हम आप लोगों को इसके बारे में बताने चल रहे हैं कि यह जो बाह्य दल होता है यह किसी पुष्प का बाहरी भाग होता है जो पुष्पासन के चारों तरफ होता है, तथा यह हरे रंग का होता है। यह हरे रंग का होता है, बाह्य दल किसी पुष्प का बाहरी भाग होता है या हरे रंग का होता है जो पुष्पासन के चारों तरफ होता है। पुष्पासन, पुष्पासन किसी पुष्प का वह भाग होता है जिस पर पुष्प विराजमान रहता है या जिस पर पुष्प स्थित होता है। एक बार हम फिर से आप लोगों को रिपीट कर दें कि पुष्पासन किसी पुष्प का वह भाग होता है जिस पर पुष्प स्थापित रहता है या पुष्प बैठा रहता है। तो इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट है अंडाशय। अंडाशय किसी, अंडाशय जो है यह मादा भाग है, इसमें निषेचन के पश्चात युग्मक जाते हैं तथा इसमें अंडक होते हैं जो निषेचन के पश्चात बीजांड में, इसमें बीजांड होता है जो निषेचन पश्चात बीज में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट है वर्तिका। वर्तिका पुष्प का वह भाग होता है जो, वर्तिका पुष्प का वह भाग होता है जो वर्तिकाग्र को जोड़े रहता है। फिर हम लोगों का नेक्स्ट है पराग तंतु। पराग तंतु पुष्प का वह भाग है जो पराग कोष को पुष्पासन से जोड़े रहता है, यह धागे जैसी संरचना होती है। फिर इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट है दलपुंज। दलपुंज किसी पुष्प का वह भाग है जो उसके सबसे बाहरी भाग में पाया जाता है, जो फैला हुआ होता है, जो रंग बिरंगा होता है या किसी भी कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। फिर इसके बाद हम लोगों का है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र किसी पुष्प का वह भाग होता है जहाँ पर, वर्तिकाग्र किसी पुष्प का वह भाग होता है जहाँ पर मादा युग्मक उपस्थित होते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों का है पराग कोष। पराग कोष नर युग्मक का वह भाग होता है, यह निषेचन के पूर्व की परिघटना में नर युग्मक का वह भाग होता है जहाँ पर परागकण होते हैं। तो अब आइए अब हम लोग पहले नर भाग पढ़ते हैं। जो पुष्पों में नर भाग होता है, जो पुष्पों में नर भाग होता है उसे हम लोग पुंकेसर बोलते हैं, उसे हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर, पुंकेसर किसी पुष्प का वह भाग होता है जिसके द्वारा परागकण का निर्माण होता है, उसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर किसी पुष्प का वह भाग होता है जिसके द्वारा परागकण का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग पुंकेसर बोलते हैं। पुंकेसर किसी पुष्प का वह भाग होता है जिसके द्वारा परागकण का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर के तीन भाग होते हैं। पहला पहला पराग तंतु, दूसरा पराग कोष, तीसरा पराग कण। पहला पराग तंतु, दूसरा पराग कोष, तीसरा पराग कण। तो आइए हम लोग पुष्पों के नर भाग में पुंकेसर के पहले भाग पराग तंतु का अध्ययन करते हैं। पराग तंतु, पराग तंतु, पराग तंतु किसी पुष्प का वह भाग होता है जो पराग कोष को पुष्पासन से जोड़े रहता है।
पराग तंतु किसी पुष्प का वह भाग होता है जो परागकोष को पुष्पाशन से जोड़े रहता है। और दूसरा परागकोष वह भाग होता है जो परागकोष वह भाग होता है जो पराग तंतु के ऊपरी भाग में स्थित होता है तथा जिसमें परागकण पाए जाते हैं उसे हम लोग परागकोष कहते हैं। इसकी संरचना द्विकुंडलित नुमा होती है। तो अब हम लोग तीसरा भाग पढ़ते हैं जो है परागकण। परागकण पुष्पों का वह नर युग्मक होता है जो निषेचन की क्रिया को पूर्ण करता है। परागकण परागकोष में पाए जाने वाले असंख्य पाउडर जैसी संरचना होती है जिसे हम लोग अपने नग्न आंखों से देख भी सकते हैं और नहीं भी देख सकते हैं। अगर हम इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो इसका आकार गोली होगा और इसका जो व्यास होगा वो 25 से 50 माइक्रोमीटर के बीच का होगा तथा इसका बाएं भाग में एक आवरण पाया जाता है जिसे हम लोग स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं जो बाह्यकारकों से परागकण की रक्षा करता है। आइए अब हम लोग इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं। फिर ये हो गया डंठल, और ये हम लोगों का है पराग कोष, और इसके अंदर से एक धागे जैसी पतली संरचना होती है जो हमें ऐसे नहीं दिखाई देती है। अगर हम इसको खोलें या फिर इसको काट कर इसका अनुप्रस्थ काट देखें तो हम लोगों को यह भाग दिखाई देता है जिसे हम लोग बोलते हैं पराग तंतु लेकिन यह ऐसे नहीं दिखाई देता। अगर हम लोग इसको खोल कर देखेंगे तो दिखाई देगा। अब हम लोग डंठल क्या होता है? डंठल यही होता है जो परागकोष को पुष्पाशन से जोड़े रहता है। यही डंठल और पराग तंतु एक ही होते हैं, लेकिन पराग तंतु उसके अंदर होता है और डंठल जो हम लोग पूरा देखते हैं उसे डंठल कहते हैं। इसके बाद अब हम परागकोष, ये हम लोगों का परागकोष है, इसमें परागकण होते हैं। अब परागकोष का हम लोग अनुप्रस्थ काट लेते हैं तो यह द्विकुंडलित होता है। अगर हम लोग परागकोष का अनुप्रस्थ काट लें तो यह द्विकुंडलित होता है। यह हम लोगों का अनुप्रस्थ काट है। इसके बाद यहाँ पे ये है परागकण और यह है लघु बीजाणु धानी। अब परागकण जो होता है यह परागकोष के अंदर पाउडर जैसे अनेकों संख्या में पाए जाते हैं। अब हम लोग इन सब के बारे में अध्ययन कर लिए हैं, एक बार हम फिर से आप लोगों को रिपीट कर देना चाहते हैं। परागतंतु परागकोष को पुष्पाशन तक जोड़ने वाले एक धागे जैसी संरचना होती है जो उसे जोड़े रहती है। और दूसरा हम लोगों का है परागकोष किसी पुष्प का वह भाग होता है जिसमें परागकण का निर्माण होता है तथा यह पराग तंतु के सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है। यह द्विकुंडलित होता है और इसके द्वारा परागकण का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, यह बहुत क्वेश्चन पूछता है यूपी बोर्ड में। फिर इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है परागकण परागकोष में पाए जाने वाले अनेकों पाउडर जैसी संख्या होती है। यह गोली होता है, अगर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखें तो इसका भाग गोली दिखाई देता है तथा इसके व्यास को मापे तो यह 25 से 50 माइक्रोमीटर तक का होता है। दिखाई देता है तथा इसके बाएं भाग में एक आवरण पाया जाता है जिसे हम लोग स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं। तो आइए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी क्या होता है? इसके द्वारा परागकणों का निर्माण होता है जो प्रत्येक परागकोष के किनारों पर पाई जाती है। लघु बीजाणुधानी प्रत्येक परागकोष के किनारों पर पाई जाती है। लघु बीजाणुधानी, जो लघु बीजाणुधानी होता है, लघु बीजाणुधानी प्रत्येक परागकोष के सतहों पर पाई जाती है। प्रत्येक परागकोष के सतहों पर पाई जाती है। यदि हम इसका अनुप्रस्थ काट लें तो यह बेलनाकार भाग में दिखाई देता है। लघु बीजाणुधानी प्रत्येक परागकोष के सतहों पर पाई जाती है। यदि हम इसका अनुप्रस्थ काट ले तो यह बेलनाकार भाग में दिखाई देता है। लघु बीजाणुधानी के द्वारा परागकणों का निर्माण होता है। आइए अब हम लघु बीजाणुधानी का चित्र बनाकर उसके बारे में अध्ययन करते हैं। हम लोगों का बन गया लघु बीजाणुधानी का चित्र, जो इसे हम लोग अनुप्रस्थ काट लिए हैं। आइए अब इसका नाम अंकित कर देते हैं। इसका जो बाहरी भाग होता है इसे हम लोग बोलते हैं बाह्य त्वचा। जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एपिडर्मिस। फिर इसके अंदर वाला भाग है अंतस्त्वचा, अंतस्थीसियम। इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीसियम इंग्लिश में, फिर इसका जो अंतिम परत है इसे हम लोग बोलते हैं मध्य त्वचा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिडिल लेयर। फिर इसके बाद इसका सबसे आंतरिक भाग होता है टेपिटम। जिसे इंग्लिश में भी टेपटम ही बोलते हैं। तो अब लघु बीजाणुधानी का हम लोग अनुप्रस्थ काट बनाए हैं तथा इसका सबसे बाहरी भाग होता है बाह्य त्वचा, फिर इसके बाद अंतस्थीसियम, फिर इसके बाद मध्य त्वचा, फिर इसके बाद टेपटम। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जो बाह्य त्वचा होता है, यह इसके सबसे बाहरी भाग में पाया जाता है तथा यह इसकी रक्षा करता है। बाह्य त्वचा के सिर्फ दो कार्य हैं। यह बाहरी भाग में पाया जाता है, यह बाहरी भाग में होता है। इसके बाद इसका रक्षा करता है, प्रोटेक्ट। जो बाह्य त्वचा होता है यह लघु बीजाणुधानी के बाहरी भाग में पाया जाता है तथा यह उससे बाह्य कारकों से लघु बीजाणुधानी की रक्षा करता है। फिर इसके बाद जो इसका दूसरा भाग है वह है अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम के निम्न लक्षण है। पहला, इसमें आर्द्रता ग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो अंतस्थीसियम होता है इसमें आर्द्रता ग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। और दूसरा, यह परागकणों को
बाहर निकालता है, यह परागकणों को बाहर निकालता है, यह परागकणों को बाहर निकालता है। तीसरा, यह सेलुलोज का बना होता है। तीसरा, यह सेलुलोज का बना होता है, यह सेलुलोज का बना होता है। अंतःस्थिशियम, इसमें आर्द्रता ग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं जो पराग कोश के स्फुटन कर पराग कणों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। और तीसरा, यह सेलुलोज का बना होता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है मध्य त्वचा। तीसरा हम लोगों का है मध्य त्वचा। यह केवल नष्ट होकर के पराग कणों को पोषण प्रदान करता है तथा इसकी संरचना या इसकी संख्या भिन्न भिन्न पुष्पों में अलग अलग होती है तथा लीची में मध्य त्वचा की संख्या 3 होती है। लीची में मध्य त्वचा की संख्या 3 होती है तथा प्रत्येक पुष्पों में इसकी संरचना पुष्पों के आधार पर अलग अलग होती है। तो अब हम लोगों का जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है टेपिटम। यह एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है टेपिटम क्या है, टेपिटम के कार्य। तो टेपिटम लघु बीजाणुधानी का सबसे आंतरिक परत है। टेपिटम लघु बीजाणुधानी का सबसे आंतरिक परत है। आइए अब इसके कार्य के बारे में जानते हैं। पहला, टेपिटम जो होता है यूबीस बॉडी का निर्माण करता है। जो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, पहला तो यह यूबीस बॉडी का निर्माण करता है। दूसरा, यह कैलोजन नामक हार्मोन स्रावित करता है। टिप्टम यूबीस बॉडी का निर्माण करता है, कैलोजन नामक हार्मोन स्रावित करता है तथा इसमें डीएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है। डीएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है। टेपिटम यूबीस बॉडी का निर्माण करता है और यह कैलोजन नामक हार्मोन स्रावित करता है तथा इसमें डीएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है। तथा अब हम लोग इसे याद करने का कुछ शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं। जैसे टेपिटम को याद करने के लिए हम लोग बनाते हैं यूपीएससी, सी से कैलोजन नामक हार्मोन्स, पी से पुबिस बॉडी, यू से यूबीस बॉडी। और इसमें एक प्लस पॉइंट लेते हैं, इसमें डीएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है। डीएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा इसका एक भाग और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं पॉलेन कीट, जो लिपिड प्लस कैरोटीनॉइड का बना होता है। इसका चार कार्य होता है। पहला, यह यूपीस बॉडी का निर्माण करता है। दूसरा, कैलोजन नामक हार्मोन स्रावित करता है। और तीसरा, इसमें डीएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है। और चौथा, यह पॉलन कीट का निर्माण करता है जो लिपिड व कैरोटीनॉइड का बना होता है। अब हम लोग इसे याद करने के लिए एक बहुत ही फेमस वर्ड है यूपीएससी। यूपी से हम लोग यूपीस बॉडी जो यह होता है स्पोरोपोलिनिन
का बना होता है, यूबियस बॉडी स्पोरोपोलिन इनका बना होता है, और इसके बाद दूसरा है पॉलिनकेट, पॉलिनकेट जो होता है लिपिड व कैरोटीनॉइड का बना होता है, फिर इसके बाद सी से कैलोजन नामक हार्मोन स्रावित करता है, और एक प्लस पॉइंट है इसमें डीएनए अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि टेपटम मतलब विचारधानी में टेपटम का क्या कार्य है, टेपटम का क्या कार्य है उसका वर्णन कीजिए। तो हम लोग पहले बता देंगे यूपीएससी स्टार्टर की याद कर लेंगे, यू से यूबीस बॉडी, जिसमें यूबीस बॉडी हो जाएगा जिसमें स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, और दूसरा हम लोगों का हो जाएगा पॉलिनकेट, जो पॉलिनकेट होता है वह हम लोगों का लिपिड व कैरोटीनॉइड का बना होता है। फिर इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट है कैलोजन, या कैलोजन नामक हार्मोन को स्रावित करता है, और एक प्लस पॉइंट है इसमें इसमें डीएनए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, या हो गया टेपटम के कार्य लघु विचारधानी में टेपटम के कार्य क्या होते हैं, यही क्वेश्चन पूछता है, हम लोगों का ऐसा आंसर दे देना है। फिर इसके बाद अब हम लोग यह हो गया लघु विचारधानी का पूरा भाग। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बीजाणु जनन ऊतक। लघु विचारधानी के चार भाग थे, लघु विचारधानी के चार भाग थे बाह्य त्वचा, अंतस्थेसीय, मध्य त्वचा, टेपटम। अब इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा जो है उसका भाग, दूसरा भाग है बीजाणु जनन ऊतक, बीजाणु जनन ऊतक, पुष्पों के परागकोष में पाए जाने वाले कोशिकाओं का वह समूह, पुष्पों के परागकोष में पाए जाने वाले कोशिकाओं का वह समूह जिसके द्वारा बीजाणु जनन ऊतक का निर्माण होता है, तो उसे बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं। तथा इन्हें मातृकोशिका भी कहते हैं, मातृकोशिका भी कहते हैं। तथा ये समसूत्री अर्धविभाजन के दौरान जो परागधानी भित्ति थी उसके चार भाग थे। अब यह लघु विचारधानी का दूसरा है बीजाणु जनन ऊतक वह समूह होता है कोशिकाओं का, पुष्पों के बीजाणु जनन ऊतक पुष्पों के परागकोष में पाए जाने वाली कोशिकाओं का वह समूह होता है जिसके द्वारा बीजाणु जनन ऊतक का निर्माण होता है। तो उसे बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं, तथा इन्हें मातृकोशिकाएं भी कहते हैं, तथा ये समसूत्री अर्धविभाजन के दौरान बनता है, यह अर्धसूत्री विभाजन के दौरान बनता है, तथा यह
लघु बीजोर्धानी का दूसरा भाग है। अब इसके पश्चात परागकण का निर्माण होगा। अब हम परागकण के उपयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। परागकण, जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि परागकण परागकोष में पाए जाने वाले असंख्य पाउडर जैसे संरचना को परागकण कहते हैं तथा इसका व्यास 25 से 50 माइक्रोमीटर तक का होता है तथा इसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है जिसे स्पोरोपोलेनिन बोलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग हम लोगों का है परागकणों के उपयोग। यह एग्जाम में 2 नंबर का पूछता है, परागकणों का उपयोग, परागकणों का उपयोग। पहला, परागकणों का उपयोग परागकणों का उपयोग निषेचन की क्रिया के लिए किया जाता है, निषेचन की क्रिया में किया जाता है। दूसरा, परागकणों का उपयोग कृत्रिम रूप से करके वांछित पौधों को प्राप्त किया जा सकता है। परागकणों का उपयोग कृत्रिम रूप से करके वांछित पौधों को प्राप्त किया जा सकता है तीसरा, परागकणों का उपयोग मकरंद को प्राप्त करने में किया जाता है। चौथा, परागकणों का उपयोग औषधियों के निर्माण में किया जाता है। पांचवा है, प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के पुष्पों को निर्माण करने में किया जाता है। तो गाइस, परागकणों का उपयोग
परागकणों का उपयोग निषेचन की क्रिया में किया जाता है। दूसरा, परागकणों का उपयोग कृत्रिम रूप से वांछित पौधों को प्राप्त करने में किया जाता है। तीसरा, परागकणों का उपयोग मकरंद को प्राप्त करने में किया जाता है। चौथा, परागकणों का उपयोग औषधियों के निर्माण में किया जाता है। पांचवा, परागकणों का उपयोग प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के पुष्पों को निर्माण करने में किया जाता है। यह यूपी बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अभी तक हम लोगों ने जितना पढ़ा है एक बार फिर से मैं उसे रिपीट कर दे रहा हूँ। हम लोगों ने पढ़ा है लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी, इसके 3-4 भाग हैं। लघु बीजाणु धानी के 2 भाग हैं। पहला है परागधानी भित्ति, और दूसरा बीजाणु जनन ऊतक। परागधानी भित्ति के 4 भाग होते हैं, बाह्य त्वचा, अंतस्थिसियम, मध्य त्वचा, टेप्टम, और बीजाणु जनन ऊतक या परागकणों को निर्माण करता है। और इसके बाद हम लोगों ने परागकणों के उपयोग के बारे में पढ़ा। बस आज की क्लास यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।